हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवद्गीता के प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। आप सब लोग स्क्रीन पे यह श्लोक दिया हुआ है, उसको दोहराने का प्रयास करिए। अन्ये च बहवासुरा मदर्थे त्यक्त्वा जीविता नाना शास्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट दो चीज़ के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। दुर्धन द्रोणाचार्य को बता रहे हैं यह दो इम्पोर्टेंट चीज़। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अन्ये च बहव सुरा, पहले लाइन में है मद अर्थे त्यक्त्वा जीवितः। कृष्णा अर्जुन दुर्धन इनडायरेक्टली जो है सरस्वती देवी भी उन पे कृपा कर रही है, या सरस्वती देवी सच्चाई बुलाना चाह रही है। कई बार हमारे लाइफ में होता है, हम अनुभव कर सकते हैं, हमारे मुख से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो हम भी उस पे सोचते रह जाते हैं, क्या हो गया, क्या बोल दिया हमने, या सामने वाले ने क्या बोल दिया, है ना। तो कई बार सच होता है और कई बार झूठ होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं सरस्वती देवी दुर्योधन के द्वारा क्या बोल दे रही है। ये सारे जो प्रथम लाइन में बोले दे रहे हैं, ये सारे जो मेरे लिए लोग खड़े हैं, अन्ये च बहव सुरा, पिछले श्लोक में आठवें श्लोक में कई सारे महान दिग्गजों का दुर्योधन नाम ले रहे हैं, भीष्म, स्वयं द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अब बाकी जितने भी उपलब्ध थे सबको अन्ये च एक्सेट्रा बुला करके दुर्योधन संबोधित कर रहे हैं, ताकि कोई भी और अपने आप को लीव इट महसूस ना करे, सबको लगे कि दुर्योधन ने सबका नाम लिया। इसलिए अब यहाँ पे सबको बुला करके एक अनजाने में दुर्योधन क्या बोल गए यहाँ पे, मद अर्थे त्यक्ता जीवितः, मेरे अर्थ के लिए वह अपने जीवन को त्यागने को तैयार। दुर्योधन को घमंड था कि मैं जीत ही जाऊंगा और ये सारे लोग मेरे लिए खड़े रहेंगे और मेरे लिए प्राण की आहुति दे करके मुझे जिताएंगे। तो मतलब दुर्योधन इतना ज़्यादा स्वार्थी था कि कोई भी मर जाए, हजारों लोग मरे, है ना, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ उसके लिए उसको कुर्सी चाहिए था, उसको राजगद्दी चाहिए था। ऐसे स्वार्थी इंसान का भगवान कैसे भला करेंगे। इतना ज़्यादा स्वार्थ, इतना ज़्यादा जो है आक्रोश नहीं ठीक होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में कई बार जो है अपने आप को आंकलन करना चाहिए, अपने आप को आंकलन करना चाहिए कि कहीं मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी का हानि तो नहीं पहुंचा रहा हूँ, कहीं मैं अपने स्वार्थ के लिए कहीं किसी को इस हद तक तो नहीं गिरा रहा हूँ ना कि कोई मेरे नाश के लिए प्रार्थना करने लगे, कि कोई ऐसा प्रार्थना करने लगे कि भगवान इसका कैसे तो नाश हो जाए, ये कैसे तो दूर हो जाए। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के लिए, भगवान कुछ भी हो जाए ये मेरे सामने नहीं आना चाहिए, कुछ भी हो जाए ये व्यक्ति का आप सर्वनाश कर दो, ये व्यक्ति का हटा दो। तो ये बहुत ही बुरी परिस्थिति है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि ऐसे हम कार्यों से दूर रहें। पर दुर्योधन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मेरे लिए वो सब प्राण त्यागने को तैयार है। तो सरस्वती देवी ऐसे दुर्योधन के द्वारा बुला रही है कि सारे जितने भी लोग हैं सब मारे जाएंगे। तो कई बार सरस्वती देवी कृपा भी करती है और भक्तों के मदद के लिए सच्चाई भी बुला देती है। कई लोग कन्फ्यूज़ होंगे स्टार्टिंग में युद्ध के कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो यहाँ पे इंडिकेशन मिला रहा है कि दुर्योधन खुद ही बोल रहे हैं सारे लोग मारे जाएंगे। हम देख सकते हैं एक बार की बात है कि जब स्वयं रावण और कुंभकर्ण भी तपस्या कर रहे थे, तब सरस्वती देवी कुंभकर्ण के मुख पे आ गए थे, क्योंकि देवताओं ने प्रार्थना किए थे कुंभकर्ण अगर अभी से ही इतनी शक्तिशाली है, ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त करने के बाद कितना शक्तिशाली हो जाएगा। तो जैसे ही कुंभकर्ण ने वरदान मांगने के लिए मुंह खोले,
जब ब्रह्मा जी बोले उनको मांगो जो चाहिए वो मांगो, तो जैसे कुंभकर्ण ने मुँह खोले सरस्वती देवी उनके मुख पर बैठ जाती है और वो इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लेते हैं। और इसके पहले कि वो कुछ समझ पाते हैं ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया, वो सो गए। तो इसलिए हमें अपने कार्यों में ध्यान रखना चाहिए, हमारे कार्य इतने निकृष्ट ना हो जाए, इतना दूसरे को सताने योग्य ना हो जाए कि दूसरे लोग हमारे नाश के लिए, हमारे ख़त्म हो जाने के लिए, हमसे दूर होने के लिए प्रार्थना करने लगे। हमें अपने कार्यों में प्रगति ढूंढनी चाहिए, हमारी कार्यों में प्रगति कैसे होगी कि कितने लोग हमारे कार्य से खुश हैं, कितने लोग हमसे जो है हमसे प्रेम करते हैं, हमसे प्रेम करें ना करें हमारे कार्यों से प्रेम करते हैं, हमसे उत्साहित होते हैं। तो इसीलिए हम अपने कार्यों का रोज़ के रोज़ हमें लेखा जोखा रखना चाहिए और उस पर रोज़ मंथन करना चाहिए। वी हैव टू रेगुलरली मेडिटेट ऑन आवर एक्टिविटीज़। इज़ इट गोइंग ऑन राइट पाथ? इज़ इट नॉट हर्टिंग अदर्स? क्या यह किसी को मदद दुख तो नहीं पहुंचा रहा है? तो इस तरह से हम भगवान की एक सेवा ही कर पाएंगे कि भगवान की जो दूसरे जीव हैं उनको दुख न पहुँचा कर। इस श्लोक का दूसरा भी लाइन यहाँ पे बताया गया है, दूसरे लाइन में बताया है, शस्त्रों का प्रयोग शास्त्रों के बल पर हुआ है। तो हम यहाँ पे कई सारे जो है महाभारत में यूज़ किए गए डेडली वेपन्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम देख सकते हैं अर्जुन, कर्ण, भीष्म, द्रोण ऐसे महान महान महारथी जो है इस युद्ध में अपने प्राण की आहुति दिए युद्ध में और बाद में भी। तो उन्होंने आगे चल के कई सारे युद्ध जो है शस्त्रों का प्रयोग यहाँ पे किए। तो उन शस्त्रों में से महान आते हैं, जैसे बेसिक अस्त्र में आ जाएंगे, अग्न्यास्त्र, वायुअस्त्र, सर्पअस्त्र। सर्पअस्त्र कर्ण बहुत अच्छा यूज़ किए थे अर्जुन के ऊपर। फिर आते हैं ब्रह्मास्त्र, अश्वत्थामा ने चला दिए थे। ब्रह्मशिरास्त्र, विष्णुअस्त्र जो है जिसके सामने कोई नहीं टिक पाया था, स्वयं विष्णु जी और शिव जी के युद्ध में भी जो है विष्णुअस्त्र विष्णु भगवान ने चलाए थे और शिव ज्वर चलाए थे। तो ऐसे महान महान अस्त्र, ये अस्त्र आजकल के वेपन्स के जैसे नहीं है। आजकल के जो होते हैं ग्रेनेड्स ले लीजिए, AK-47 ले लीजिए, AK-47 ले लीजिए, बॉम्ब्स ले लीजिए, मिसाइल ले लीजिए, इतने सारे जो आजकल के अस्त्र हैं सब के सब सिर्फ और सिर्फ तहस नहस करना जानते हैं। पर क्या आज हमारे पास कोई ऐसा अस्त्र है जो कि हम एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं? सामने वाले ने कुछ अस्त्र छोड़ा तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं? तो पहले के समय में ऐसे भी होते थे, जैसे अग्न्यास्त्र को बारिश अस्त्र के द्वारा कैंसिल कर दिया जाता था। और बाकी इस तरह से अभी सभी वेपन्स को अलग अलग अस्त्रों द्वारा कैंसिल किया जा सकता था। पर अभी के समय में और भी ऐसे कैंसिल करने वाले अस्त्र नहीं हैं। तो इसलिए कई सारे महान अस्त्र जो है पहले के समय में हुआ करते थे और वो सारे के सारे शास्त्रों के बल पे चलाए जाते थे। शास्त्रों में जो वेद मंत्र दिए हुए हैं उन वेद मंत्रों के बल पे, उन वेद मंत्रों की शक्ति के बल पे ये सारे अस्त्र चलते थे। और उनमें ये ताकत होती थी कि जहाँ पे वो टारगेट किया जा रहा है वहीं पे जा कर के ये वह उसका टारगेट का जो है उसको मारेंगे, उसको नष्ट करेंगे। तो हम देख सकते हैं श्लोक में दो चीज़ हमने देखे, हमारे स्वभाव के ऊपर देखे। जैसे दुर्योधन का स्वभाव ऐसा था कि सब लोग जो है उसके कारण मरने वाले थे, और कई सारे मरते वक्त जो अस्त्र यूज़ कर रहे तो उन अस्त्रों के ऊपर हमने चर्चा किए। कई सारे अस्त्र थे जो पहले के समय में बहुत ज़्यादा एडवांस थे पर अभी उतने एडवांस नहीं हैं। हम और ज़्यादा निकृष्ट हो रहे हैं, समाज को और ज़्यादा साइंस के द्वारा क्या होते जा रहा है, इतने सारे डेडली वेपन्स क्रिएट किए जा रहे हैं समाज का और नुकसान हो रहा है।
साइंस और कुछ नहीं, बस क्या कर रहा है, समाज में ऐसे वेपन्स तैयार कर रहा है जो कि समाज को नष्ट करे, ना कि समाज को प्रोग्रेस करे। तो हमें, हमारे ऊपर चॉइस है, हम चूज़ करना है समाज को हम प्रोग्रेस की ओर लेके जाएं वेद शास्त्रों के बल पर, कि समाज को नीचे की ओर ले जाएं साइंस के द्वारा उपयोग किए गए अस्त्र शस्त्रों के बल पर। हरे कृष्णा।